ये हमारे जिम ट्रेनर हैं। ये रहा कोटा में एलेन का बिल्डिंग। तो मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर है। गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो क्या रहने वाला है, देखो आज के वीडियो में मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अपना प्लान बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है नीट 2025 बहुत पास आने वाला है और मैंने अपनी तैयारी बहुत ज्यादा लेट चालू करी है। तो देखो जो मैं जिस सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी के लिए मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, कोई भी लेक्चर नहीं लूंगा। अगर हाँ कुछ टॉपिक्स लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक या उस स्पेसिफिक चैप्टर के लिए लेक्चर देखूंगा। बाकी मैं जो है खुद के मेरे पुराने नोट्स है बायोलॉजी के उसी को पढ़ूंगा और मैं खुद बायोलॉजी के शॉर्ट ट्रिक्स, पहले क्योंकि 3 साल का गैप था तो 3 साल के गैप में मैं खुद बायोलॉजी के शॉर्ट ट्रिक्स बना के भी अपलोड करता था और लेक्चर भी डाला हूँ मैं, जैसे 2-3 चैप्टर्स के लेक्चर भी डाला हूँ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो मैं खुद से करूँगा, कोई भी लेक्चर नहीं देखूंगा। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के मैं अपने पुराने नोट्स हैं उसी को मैं पढ़ूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कुछ चैप्टर्स हैं 8-9 चैप्टर हैं जिसके मैं लेक्चर देखूंगा। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो मैं पूरा एक केमिस्ट्री का कोर्स है, पूरा एक प्लेलिस्ट है जो कि मैं उससे वहां से लेक्चर देखूंगा और वहां से नोट्स बनाऊंगा और उसी से सॉल्व करूंगा। तो ये तो था मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे पढ़ने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में आज मैं फिर एक मॉक टेस्ट भी दूंगा क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। ये एक और पेपर है एलएन का, छोटा छोटा सिलेबस का मॉक टेस्ट है। जैसे कि इसमें ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो टोटल 7 चैप्टर है, सब मिला के 7 या 8 चैप्टर है। छोटा छोटा सिलेबस का मॉक टेस्ट दूंगा, इसमें मेरा कितना मार्क्स आता है और एनालाइज करूंगा। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जिम भी ज्वाइन करने वाला हूँ क्योंकि जो है जिम जो है बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, हेल्थ इज वेल्थ, और स्ट्रेस भी रिलीज होता है। तो चलिए ब्लॉग, तो सबसे पहले जिम में एडमिशन करा लेता हूँ, फिर एडमिशन के बाद रूम में जाके मॉक टेस्ट भी दूंगा। इनके बच्चे अभी क्लास जा रहे हैं। मैं पहले भी जिम जाया करता था लेकिन गैप आ गया, हर चीज में गैप आ जाता है। नीट भी दिया, फिर गैप, जिम भी गया, गैप, अब फिर से जिम। हमारे जिम ट्रेनर है, ये मेरे दोस्त भी है। तो ये जिम का मेंबरशिप प्लान है, 1 महीने का 3,000 फीस है, 3 महीने का 7,000 है, 6 महीने का 9,500 और 1 साल। और मैं पहले भी इस जिम में जाता था, ये एक वीडियो है जिसमें मेरे को चैलेंज मिला था। वालों को चैलेंज था कि वो एक जगह फिंगर रख के लगभग 3 मिनट ऐसे गोल गोल घूम कंप्लीट करेगा, उसको 2,000 कैश प्राइस। मैं ये हार गया था और गिर गया था। यहाँ पर पीनट बटर भी है और ये लॉकर है, जिम का लॉकर है। उधर शावर हो गया, इधर स्टीम का है, शावर है, उधर बाथरूम है, ये सब लॉकर है। और ये नीचे बेसमेंट में जिम है, ये जिम का ओवरव्यू है। टोटल सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, चाहे ट्रेडमिल हो, लेग्स वर्कआउट करना हो, चेस्ट, बाइसेप, चाहे बैक का वर्कआउट हो, हर चीज़ का इक्विपमेंट्स पूरे। दोपहर का टाइम था इसलिए कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, 2 या 3 जन ही है। नीट की प्रिपरेशन, जिम, सब कुछ मैनेज करना है। फिर ये ट्रेनर मेरा दोस्त है तो बहुत दिन बाद हम मिले तो हम कॉफ़ी भी पिए, थोड़ी बातचीत की। और अब ट्रेनर ने कहा डेली वर्कआउट करने आना है, तो अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल में। और ये लैंडमार्क का व्यू है, ये देखो एक और बिल्डिंग है एलएन की, सम्यक 2 लैंडमार्क में हम टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी अटेम्प्ट करने लग गया बोटैनी में। और बायोलॉजी का एलएन का ये मॉक टेस्ट जो था बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड था, ये बहुत अच्छी बात थी। तो मेरा बायोलॉजी 30 मिनट्स में कम्प्लीट हो गया था। नेक्स्ट मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया बायोलॉजी के बाद, जो कि मेरा 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। और फिज़िक्स मेरा 35 मिनट्स में हो गया क्योंकि फिज़िक्स मुझसे बनता ही नहीं है। फिर जब मैंने पेपर एनालाइज करा तो मेरे जो टोटल मार्क्स बन रहे थे वो 495 बन रहे थे आउट ऑफ 720। मेरे को पता है ये मार्क्स बहुत कम है, मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने नोट्स रिवाइज करने लग जाता हूँ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे जो नोट्स मैंने खुद से बनाए थे। बिल्कुल माइंड मैप की तरह नोट्स है जो कि मैंने खुद ने हैंड रिटन नोट्स से बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी है, जैसे आरएच विटेकर क्या दिया तो ये फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है, ये किंगडम मोनेरा के बारे में क्या है तो बिल्कुल एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि पूरा याद हो जाए। जैसे आरके बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, पूरा ये आ गया। तो ये सब मैंने खुद ने बनाए थे क्योंकि मैंने पहले ही बना दिए थे, क्योंकि जैसे 3 साल का बीच में मेरा गैप था तो मैं लेक्चर भी डाला था 2-3 यूनिट के, जैसे 11th का लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब के बारे में, और 2 पूरा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, 12th का जेनेटिक्स, ये सब का मैं नोट्स बनाया था और जिसका मैं लेक्चर भी अपलोड किया था अपने ही
चैनल में लाइव आके पढ़ाता था। हालांकि अब आप लाइव चैनल में देखोगे तो नहीं मिलेगा, मैं डिलीट कर दिया। तो मैं ये सब इस तरीके से बनाया हुआ है ना, एकदम सिस्टमेटिक वे में, कि देखते ही याद आ जाता है। और ट्रिक्स भी था, जैसे इसका एग्जांपल का ट्रिक था, ऐसे खुद से बनाया हुआ ट्रिक, ये सब था।